तू हट जा, ये राजा का अपडेट है, उसको कवर मत कर। राजा का 50% अपडेट हमने आपको पिछली बार दिया था और 50% का प्रॉमिस आज का था। राजा का सपना सपना ही रह गया। चलो तो नहीं आ रहा बीच में, बिना कुछ किए भी चिला रहा था। सिर्फ टच कर गया हमने कास्ट तो ये चिला रहा था। ड्रामा ड्रामा, पेन किलर लगा देना। ए नहीं आ रहा बिल्कुल, नींद आ रही। हमने तो राजा की सर्जरी बड़े प्यार से, ध्यान से और पेन किलर्स के साथ करी है, पर आम तौर पे बकरों और बछड़ों के साथ यही बिना पेन किलर्स के किया जाता है। खैर, इस समय हमारे डॉग रेस्क्यूज थोड़े सीमित हैं, तो हम अपना ज्यादा ध्यान रेजिडेंट एनिमल्स को दे पा रहे हैं और ट्रीट ऑन स्ट्रीट को। चल नहीं पा रही है, इनकी सीट के चल रही है ना, पहले भी होता इसका एक्सीडेंट। आ जा गाड़ी में, फ्रेंडली ना जी इसका। ओए नहीं नहीं नहीं, सही कर रहे हैं। बैठ 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 बैठ। रीढ़ की हड्डी के अराउंड कोई सेंसेशन नहीं है, टांग में सेंसेशन नहीं है, दूसरी टांग में नीचे सेंसेशन है, थोड़ी सी ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ टांगों में लगी होती है सेंसेशन ऊपर हिस्से में होती है। इसने कुछ क्यों नहीं किया, स्किन एसेट की कुछ भी, पर हमने जब उसको खड़ा किया तो उसने चारों टांगों पर वेट ले लिया ना, तो फिर हमने उसको सिर्फ न्यूरोकाइन पे रखा, आज का लगा दिया। और अगले एक शीशी जो हापस्ती को हम दे भी आए हैं तो उनको बोल दिया लगाने को, और उनके घर के बाहर ही बांध दिया। अभी हम आपको लार्ज एनिमल सैंक्चुअरी लेके चलेंगे, वहाँ के लिए ये मैट्स हमने मंगाए हैं, यूजुअली काले आते हैं, अब की बार नीले आ गए हैं, पर बेटी जी को लग रहा है इसके लिए ब्लू स्क्रीन सेटअप है जहाँ पे प्रॉपर मॉडलिंग कर सकती है। भाई आखिरकार हम सभी अपने फिल्म के हीरो तो हैं ही। पार्लर कहाँ भेजे इसको, भाई साहब को पसंद नहीं आ रही है, अब राजा को आ रही है, राजा क्या न्यूट्रल लग पड़े करने, क्या फ़ायदा है। हो गया तुम्हारा ब्यूटी सेशन, दिखाओ। रुक जा रुक जा, दे तो दे तो, डन डन। अबे ज्योति के अनुसार क्या है कि चटोरी मूली को गंदी आदतें सिखा रही है। मेरे हिसाब से दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन लुक्स लाइक, इन दोनों की दोस्ती हो रही है, और एक भाई चटोरी मूली को एक्सेप्ट कर लेती है तो स्पॉट और चंदी भी कर लेंगे। तो ये हमारी सैंक्चुरी में हमने घोड़ों के लिए शेड बनाया है, इसमें थोड़े टाइम में एकांत को हम ढूंढ लाएंगे, वो भी रहेगा। यहाँ दो काले मैट है, अभी तीन नीले मैट अभी और आएंगे, सिमेट्री थोड़ी ख़राब हो जाएगी पर हमारा काम चल जाएगा। ये कमरा हमने बकरों के लिए बनाया था, पर संजू को यहाँ पर चार्ली का शिफ्ट किया तो वो तो तार में अपना मुँह फंसा लेता है। और ये हमारा स्टोरेज शेड है जहाँ पे हमने फीड रखी है फक, जिसे कहते हैं राइस ब्रैन, और ओट्स। घोड़े हमारे उधर खड़े हैं, पर वो खाने में इतना मस्त है कि वो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ थोड़ी देर में। इसका ब्रीदिंग इतना हाई कैसे है? ये हमारे पास कुछ भी नहीं था आपको बट पकड़ने के लिए, गाड़ी में डिक्की में डाल के लाए, इसके अंदर बॉडी के अंदर। कैट के लिए मेरी बात हुई थी क्योंकि केस, ये आप कंडीशन देख रहे हो, तो हमने बोला था कि ठीक है आप ट्रांसपोर्टेशन का देख लो। फिर साहिल का कॉन्टैक्ट दिया था क्योंकि पशु वलिक ऑर्गेनाइजेशन है इनके, तो वो गए थे इसको लाने के लिए। जैसे हमने बॉडी गाड़ी बिल्ली को तो उन्होंने रखा हुआ था, और उनके घर के मोड़ पे हमें दिख गया जब हम इसको पकड़ रहे थे, तो ये तीन टांगों पे भाग रहा था। वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे तीन चार और हैं, उनको भी ले जाओ। मतलब उनका ये था कि उसको ले जाओ और कहीं और ले जाके छोड़ दो। फोरहेड में इतना बड़ा वूंड होने की वजह से काफ़ी खतरा भी था उसे। एंटीबायोटिक्स और जो एंटी इंफ्लेमेटरी और पेन किलर्स हमने उसका स्टार्ट कर दिया है। इसमें जो फ्रंट लेग में जो ट्रॉमा है, ये एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से, इसमें फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन जो वहाँ का फ्लैश है पूरा का पूरा, वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। वहाँ के नर्व्स कम्प्लीटली डैमेज हो गए हैं, तो उस वजह से वो पूरी की पूरी जो लेग है वो डिसेंसिटाइज हो गई है। हमने फिर भी इसकी ड्रेसिंग करी है, लेकिन कैट में सबसे मेजर प्रॉब्लम थी सेल्फ म्यूटिलेशन की। सेल्फ म्यूटिलेशन मीन्स कि ये कैट खुद के ही बॉडी पार्ट्स को खाने लग गए थे, और खुद के बॉडी पार्ट खाने की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग और इन्फेक्शन उसका काफ़ी ज़्यादा हद तक फैल गया, और ये एक मेन रीज़न बना इसकी डेथ का। मात्र पूरी तरीके से
ठीक नहीं हुआ है लेकिन ये स्टेबल कंडीशन में है। सीडी के लिए ये आइसोलेटेड था पिछले एक डेढ़ हफ्ते से लेकिन इसको कोई भी ऐसा सिम्टम आया नहीं है। हाँ इसका टेस्ट पॉजिटिव आया था लेकिन ना इसे डायरिया है, ये खाना भी पूरा खा रहा है। तो इसका पीछे वाले पैर का फ्रैक्चर था वो भी ऑलमोस्ट हील हो चुका है, ये चल फिर पा रहा है पूरी तरीके से एक्टिव है। हमारे पास जो आइसोलेशन एरिया है उसे हमें क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि जो कैनाइन डिस्टेंपर है उसकी चेन भी नहीं टूट पाएगी। हमने इसके केयरटेकर से बात कर ली है, जो सिरप्स हम सप्लीमेंट इसको प्रोवाइड करते हैं वो आगे वहाँ उसको देने को रेडी है, तो हम इसे वापस इसके एरिया में ही रिलीज करने जा रहे हैं। सत्या हमारे यहाँ आई थी क्योंकि इसका आगे वाला एक पैर टूटा हुआ था, वो तो इसका ठीक हो गया लेकिन हमारे यहाँ जब डिस्टेंपर और पार्वो फैला तो इस बेचारी को भी पार्वो हो गया, पर अभी पूरी तरह ठीक है, इसको बस एक घर चाहिए जो इसको मोटा ताजा कर दे। खैर हमारे और डॉग्स इतने लकी नहीं थे। मुझे तो लग नहीं रहा पॉजिटिव है, मुझे भी नहीं लग रहा। वो लाइन नीचे वाली है, उस पर तो कलर नहीं आया ना। दो दिन आइसोलेशन में तो करी थी लेकिन सर है तो कुछ तो गड़बड़ी है। चलो काउचर ले जाओ, वो जहाँ पे नैनो वगैरह बंधे रहते हैं ना वहाँ पे साइड में बाहर रखना। ये सारा तो तीनों धुलने में वो सीधा डस्टबिन, और चैनल को अलग से सोडियम हाइड्रोक्लोराइड से धुलवा देते हैं। पार्वो तो ठीक हो गया 5 दिन में लेकिन हम लोग एक हफ्ता शेडिंग होती है ना वायरस की, फिर भी हम लोग 15 दिन आइसोलेशन में रखते हैं, तो अभी इसको आइसोलेट ही रखना है और मैं इसलिए टच नहीं करूँगी। काफ़ी बेटर हो गया पहले से एक्चुअली। हिप्पो में ऐसा था कि सीडी होने के बाद उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कैच कर गए। पालमपुर ले जाके उसका टेस्ट भी करवाया था तो उसमें बोबेशिया आया था और लीवर इन्फेक्शन भी था। ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया। साथ ही साथ जो चिरकुट और साइरस दोनों में बहुत ज़्यादा नेजल डिस्चार्ज और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, चिरकुट सर्वाइव नहीं किया। जो साइरस थी उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो अनट्रीटेबल हो गया था। डिस्टेंपर की वजह से साइरस के आगे वाले दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, पीछे वाला एक पैर उसका पहले ही हमें एम्पूटेट करना पड़ा था, तो साइरस को हमें यूथनाइज करना पड़ा। जो एक और एनिमल हमें यूथनाइज करना पड़ा वो है चतुरसेन। मैंने आपको कहा था कि भाई चाचू चार्ली चरणदास इन सबको हम सैंक्चुरी मूव कर रहे हैं और चतुरसेन को अभी मूव नहीं कर सकते क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब रह रही है। उसकी तबीयत इस कदर ख़राब हो गई थी कि वो गिरता था तो वो बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो पाता था, हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी, और वो रात को गिरता था तो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंजर कर लेता था, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ख़त्म से थी, तो हमें उसे भी यूथनाइज करना पड़ा। अगर आप यूथनेजिया के बारे में हमारे व्यूज़ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा।